असल सेठ साहब इधर राना साजुल जी जी क्या सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद वंस अगेन आप और पी एस एल ही से स्टार्ट आपने ही किया था और अब जो है इसका जो एडिशन होने जा रहा है तैयारियों के बारे से थोड़ा सा बता दें ओपनिंग सरमनी आपने क्या मुल्तान में होने जा रही है और ये पहली दफा होगा इसका क्या बजट वगैरह और किस तरह की तैयारियाँ हैं क्योंकि इससे कबल आपने कुछ खबरें आई थी सामने के ओपनिंग जो सरमनी में कुछ बेजाबतियाँ हुई थी उसका क्या बना और इस साथ ही ये बता दें कि फ्रेंचाइजर जो थे उनके कुछ तहफात वगैरह भी सामने आते रहे अब आपके आने से कुछ बेहतरी आई है देखिए मैं जब आया हूं तो मैंने कहा बजट दिखाओ अपना कि बजट दिखाएं बजट के अंदर आपने आ, पी एस एल की ब्रांडिंग के लिए आपने कितने पैसे रखे हैं बाकी तो सब चीज़ें ठीक हैं जी सिक्योरिटी के लिए इतने खाने पीने के लिए इतने ब्रांडिंग के लिए कितने हैं ये तो एक ब्रांड है ब्रांड को सस्टेन करना पड़ता है ना अगर आप सस्टेन नहीं करेंगे ब्रांड की वैल्यू जो है वो बढ़ती नहीं है अगर आप ब्रांड के ऊपर पैसे खर्च करेंगे तो ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है फिर अगली जो टीमें आनी है उन्होंने ज़्यादा पैसे देने हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ये तो एक एडवर्टाइजिंग का प्रिंसिपल है मार्केटिंग का प्रिंसिपल है तो पता ये चला कि जी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो समझती थी कि कोई ज़रूरत नहीं इसकी पैसे बन रहे हैं ब्रांडिंग की क्या ज़रूरत है ब्रांड तो बन गया है ब्रांड को रिवाइव करना पड़ता है सस्टेन करना पड़ता है ग्रो करना पड़ता है नहीं तो ब्रांड मर जाता है तो फिर मैंने इनसे ये कहा मैंने कहा यार फ्रेंचाइज से मैं बात करता हूँ तो फ्रेंचाइज़ की जो पहली मीटिंग हुई मैंने उनसे पूछा मैंने कहा जी आप लोग चुप करके बैठे हुए हैं तो ये ब्रांडिंग के लिए तो बजट इतना है आई यू हैप्पी विद इट उन्होंने कहा नहीं हम वी आर नॉट हैप्पी विद इट मगर हम क्या करते हैं वो बजट तो आप बनाते हैं ब्रांडिंग का तो मैंने फिर उनसे ये कहा कि अच्छा ऐसे है कि अगर आपको भी ब्रांड प्यारा है और आपने भी अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो फिर एक बात मेरे से सेटल करें यहाँ जितने पैसे मैं लगाता हूँ उतने पैसे आप लगाएं आपका ब्रांड है ना आपका ब्रांड है आपने दो मिलियन डॉलर पे ख़रीदा है उसकी कीमत सात मिलियन डॉलर हो गई है जब आप बेचने जाएंगे तो इसलिए हुआ ना कि ब्रांड बनाया हुआ तो मना लिया उनको तो अब बजट हमने तीन चार गुना बढ़ा दिया है मैंने क्या इसको ब्रांडिंग के ऊपर खर्चा करें इसके बहुत से पहलू हैं अब वो किसी वक्त बैठ के बात करेंगे जिसमें मीडिया का रोल भी है बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है आज तक बाय द वे मैं आपको बताऊं मेरे पे ये केस चल रहा है कि मैंने मीडिया को पीएसएल के लिए दुबई क्यों भेजा था क्योंकि वो अरे कह जी ब्रांडिंग ऐसे होती है अगर हमारा काम ख़राब होता तो इस मीडिया ने हमें उड़ा के रख देना था अगर अच्छा काम होता तो ये मीडिया तारीफ़ करेगा आपकी वो ब्रांड बनेगा आपका और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम अच्छा काम करने जा रहे हैं तो ये तो दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनीथिंग ये तो हम चाहते थे कि मीडिया देखे हम क्या कर रहे हैं तो मालकान तो नहीं उनको भेजेंगे चार पांच लोग चले जाएंगे बाकी कौन जाएगा तो ये तो इट्स पार्ट ऑफ द ब्रांडिंग एफर्ट ये कोई ब्राइब शाइब नहीं है मीडिया के लिए दिस इज़ ब्रांडिंग तो फिर जाके वो हमारी गले से वो उतरा नहीं तो और अगर मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि वी हैव टू सपोर्ट द मीडिया इन एवरी वे हमें फ़िक्र नहीं होना चाहिए कि हम गलत काम करने जा रहे हैं या सही काम करने जा रहे हैं गलत काम करेंगे तो आप नहीं छोड़ेंगे हमें हम अस कि हमने क्या गलती की है मगर अगर अच्छा काम करेंगे आपसे पहले दस लोग और खड़े होकर करेंगे अच्छा काम हो गया तो उससे बेहतर क्या हो सकता है